हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार एजुकेशन टारगेट पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फलों सब्जियों में रंग और कड़वाहटपन के कारण लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और एएलपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ध्यान से देखिए, क्योंकि रेलवे हर बार इसे क्वेश्चन पुटअप करता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में आपको मैं अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लक्षण एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ उसके कारण दिए गए हैं। तो आंवले में कसैलापन जो है वो टैनिन कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पपीते में पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट, मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दूध में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, लहसुन में पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। लहसुन में गंध एलाइसिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन कारण होता है। प्याज में जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पीपल में कड़वाहट जो है मार्मोलोप्सिन के कारण होता है। और नेक्स्ट है आगे दोस्तों, करेले में जो कड़वाहट है वो मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। ये दो बार रिपीट किया दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों ध्यान से देखिए, तेल में पीला रंग कैरोटीनाइज के कारण होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।